एसी में आपको बताया, अभी हम इस ट्यूबुलस से देखेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर है रेजिस्टिविटी, जो डिपेंड करती है किसी भी मटेरियल के ऊपर। तो आपको पता, जो मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर। क्यों? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे अच्छी है, ठीक है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो किस तरह से डिपेंड करता है? जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टिविटी को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है इसकी मोटाई कितनी है, अगर वायर हम जितनी मोटी इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि ये दोनों के यहाँ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को हम सेट करेंगे और देखेंगे क्या रेजिस्टेंस कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं हम रेजिस्टिविटी, है ना। तो अब रेजिस्टिविटी अगर हम कम करें तो देखो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दोनों को आप देखोगे, जब हम रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम लेंथ की। अब लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दी गई है, अगर हम ये जो लेंथ है इसकी, इसको अगर हम कम करते हैं, आप ये दो फैक्टर देखोगे, लेंथ को देखोगे एक रेजिस्टेंस को देखोगे। जब हम लेंथ वायर की बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब हम लेंथ कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब बात आई हमारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो एरिया क्रॉस सेक्शन होती है इसकी मोटाई कितनी है, जो ये एरिया है ये कितना है वायर का। अब देखो जब मैं क्या कर रहा हूं, एरिया कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब एरिया बढ़ा रहा हूं, एरिया क्रॉस सेक्शन जो बढ़ा रहा हूं मोटी वायर इस्तेमाल कर रहा हूं, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट है, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये दोनों क्या आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो ये फैक्टर है जिन पे क्या करता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। एक हमारा रेजिस्टिविटी, दूसरा हमारा लेंथ, तीसरा हमारा एरिया। इसके अलावा भी एक फैक्टर होता है, वो होता है टेम्परेचर। यहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है।